हेलो एवरीवन वेलकम टू फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल आई एम नीरज कुमार कैथल टुडे इज ट्वेंटी थर्ड अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड टुडे इज इम्पोर्टेंट एम फॉर अपकमिंग नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स आर फर्स्ट क्वेश्चन कॉमन कॉज ऑफ़ हर्ट वॉल्व स्टीनोसिस इन इंडिया इज आपको बताना है कि भारत में हर्ट वाल्व स्टिनोसिस का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है र्यूमैटिक फीवर कार्डियोमिगैली कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इट इज rheumatic फीवर आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हर्ट वाल्व स्टिन कंडीशन होती क्या है हमारा हर्ट जो है चार चैम्बर्स से मिलकर बनी हुई संरचना होती है इसमें ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स को आप एट्रियाज के नाम से जानते हैं और नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं हर्ट के एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व पाए जाते हैं जो कि हर्ट में हो रहे ब्लड फ्लो को यूनी डायरेक्शनल बनाकर रखते हैं यानी जब तक ब्लड एक डायरेक्शन में एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है तो ये वाल्व ओपन रहते हैं ब्लड को जाने देते हैं जैसे ही किसी कारण से ब्लड यदि वेंट्रिकल से वापस एट्रियम की तरफ जाने लगे, तो ये वाल्व तुरंत क्लोज हो जाते हैं और ब्लड ब्लड के बैक फ्लो को रोक देते हैं इस इसी फंक्शन के कारण वाल्व पाए जाते हैं अब मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर ये जो वाल्व हैं ये किसी कारण से बहुत ही ज़्यादा बल्ज हो जाएं इस पर किसी प्रकार की बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाए या फिर इनमें किसी प्रकार की स्टिफनेस हो जाए ये अकड़ जाएं और इजीली ओपन या क्लोज ना हो पाए तो इसी कंडीशन को हम स्टिनोसिस के नाम से जानते हैं एक बार फिर से देखते हैं स्टिनोसिस का मतलब है हर्ट वाल्व का नैरो हो जाना और सख्त हो जाना जिससे कि ये पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाते हैं जिन पेशेंट्स के अंदर हर्ट वाल्व स्टिनोसिस कंडीशन होती है उनके हर्ट को ब्लड आगे की तरफ मूव करने के लिए ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ता है और उनके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम देखी जाती है अब हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रूमेटिक फीवर टर्म की रूमेटिक फीवर एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जो कि स्ट्रेप थ्रॉट या स्कारलेट फीवर डिजीज होने के बाद डेवलप होने वाली कंडीशन है स्ट्रेप थ्रॉट या स्कारलेट फीवर दोनों ही स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा डेवलप होने वाली कंडीशन है रूमेटिक फीवर कंडीशन के अंदर पर्सन के हार्ट ब्लड वेसल और जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाती है ऑप्शन बी में बताया गया कार्डियोमिगैली शब्द का मतलब है ऐसी कंडीशन जिसमें हर्ट की स्ट्रक्चर नॉर्मल से अधिक हो जाए कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ वह डिजीज़ कंडीशन है जिसमें हर्ट को ब्लड पहुंचाने वाली ब्लड वेसल यानी कोरोनरी आर्टरीज में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाए जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में ब्लड हार्ट तक ना पहुंच पाए कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहलाता है एथेरोस्क्लेरोसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड वेसल्स की दीवारों पर फैट आदि का डिपोजिशन हो जाता है जिसके कारण जो ब्लड फ्लो के पासेज के लिए जो स्पेस है वो कम हो जाता है और बॉडी के इसेंशियल या वाइटल ऑर्गन्स लाइक हर्ट आदि तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे र्यूमेटिक फीवर इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मिट्रल वाल्व स्टीनोसिस याद रखिएगा हर्ट के मिट्रल वाल्व या बाइक स्पीड वाल्व में स्टिनोसिस होने का सबसे बड़ा कारण र्यूमेटिक फीवर ही होता है आप चाहें तो इसका स्क्रीन ले सकते हैं इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्फेजिया मीन्स डिस्फेजिया शब्द का क्या मीनिंग है एब्सेंस ऑफ स्वेलविंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग डिफिकल्टी इन स्पीच डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट द राइट आंसर एज ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ स्वेलविंग अगर कोई पर्सन किसी फूड सब्सटेंस को स्वेलो नहीं कर पाता निगल नहीं पाता तो इस कंडीशन को हम डिस्पेजिया के नाम से जानते हैं डिस्पेप्सिया शब्द का मतलब होता है इनडाइजेशन यानी कि अपच जिस पर्सन को खाना पचाने में दिक्कत आ रही है तो इसे हम डिस्पेप्सिया के नाम से जानते हैं ऑडेनोफेजिया मीन्स पेनफुल स्वेलविंग खाने को निगलते समय पेन होना ऑर्डेनोफेजिया के नाम से जाना जाता है डिस्पनिया मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग नेक्स्ट क्वेश्चन अ पेशेंट बीइंग ट्रीटेड विथ टैबलेट डिगॉक्सिन फॉर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया व्हाट साइन एंड सिम्टम्स आर इंडिकेटिव ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी किसी पेशेंट को सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हुआ और इस पेशेंट को अब हम डिगोक्सिन एज अ ट्रीटमेंट दे रहे हैं इस मेडिसिन की टॉक्सिसिटी होने पर पेशेंट में कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे डिगोक्सिन ड्रग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं आपके ऑप्शंस हैं येलो विजन वर्टिगो और मसल्स क्रैम्पिंग द राइट आंसर इज ऑप्शन बी येलो विजन डिगोक्सीन ड्रग से क्या साइन एंड सिम्टम्स एज अ टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकते हैं इनमें इंपॉर्टेंट है हेडेक येलो विजन ब्लड विजन ड्राउजीनेस रेस्टलेसनेस मसल वीकनेस एनोरेक्सिया नोजिया वॉमिटिंग डायरिया कार्डियक डिसरेडमियास आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये सभी सिम्टम्स आपको डिगॉक्सिन ड्रग की टॉक्सिसिटी होने पर देखने को मिलेंगे कन्वर्जेंस वर्टिगो और मसल कैम्परिंग ये सभी डिगोक्सिन की टॉक्सिसिटी में नहीं देखे जाते डिगोक्सिन ड्रग के बारे में कुछ और पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं डिगोक्सिन ड्रग डिगोक्सिन को एग्जामिनर आपसे डिजिटेलिस के नाम से भी पूछ सकता है डिगॉक्सिन कह दीजिए डिजिटेलिस कह दीजिए ये मेडिसिन मार्केट में आपको लेनोक्सिन नाम से अवेलेबल मिलेगी और इस मेडिसिन का मुख्य उपयोग हार्ट से संबंधित कंडीशंस के ट्रीटमेंट में किया जाता है जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन एट्रियल फ्लूटर और हार्ट फेलियर नेक्स्ट क्वेश्चन वाइल्ड रिकॉर्डिंग ऑक्सीजन विथ पल्स ऑक्सीमीट्री, न्यूली मैरिड पेशेंट द नर्स शुड डू एक न्यूली मैरिड वुमेन में अगर आप ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पल्स ऑक्सीमेटर तो इस सिचुएशन में आपको कौन सा एक्शन लेना चाहिए रिमूव नेल पॉलिश रिमूव बैंगल्स यूज टो फिंगर नन ऑफ द अबाव इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं याद रखिएगा जब भी आप किसी पेशेंट में पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको पहले नेल पेंट को रिमूव करना है बिकॉज नेल पेंट की प्रेजेंस के कारण पेशेंट में ऑक्सीजन की जो रीडिंग है वो गलत आ सकती है ऑक्सीजन सेचुरेशन रीडिंग में बिकम अल्टर इफ पेशेंट हैव नेल पेंट ऑन देयर फिंगर नेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर एन इनिशियल स्किन असेसमेंट द नर्स डॉक्यूमेंट द प्रेजेंस ऑफ रेड एंड एरिया दैट हैज़ ब्लिस्टर अकॉर्डिंग टू रिकॉगनाइज स्टेजिंग सिस्टम द अल्सर वुड बी क्लासीफाइड एज आपको यहाँ पर प्रेशर अल्सर किस स्टेज का है किस ग्रेड का है इसे आइडेंटिफाई करना है पेशेंट की स्किन पर एक ब्लिस्टर मौजूद है फफोला मौजूद है तो इसे आप किस कैटेगरी का अल्सर कहेंगे स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री या स्टेज फोर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इट इज कॉल्ड स्टेज टू अल्सर आइए इसके बारे में जान लें। स्टेज uh, सबसे पहले तो जो प्रेशर अल्सर है इसे आप चार स्टेजेस के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं स्टेज वन के अंदर हम उन अल्सर्स को इंक्लूड करते हैं जिसमें पेशेंट के अफेक्टेड एरिया की स्किन सिर्फ रेडेंड हो रेड हो टेम्परेचर वेरी हो लेकिन स्किन ब्रेकडाउन ना हो अगर पेशेंट लंबे समय से बेड पर लेटा हुआ है तो उसकी बॉडी के कुछ विशेष हिस्से जहाँ पर लगातार पेशेंट दबाव पड़ रहा था बेड का उस जगह पर ब्लड सप्लाई कम होने के कारण वहाँ की सेल्स डेथ हो जाती हैं और वहाँ पर घाव बनने लगता है अल्सर बनने लगता है अगर पेशेंट में अल्सर बनने की शुरुआत ही हुई है तो उस पर्टिकुलर एरिया पर आप देखेंगे तो आपको लाली दिखाई देगी रेडेंट दिखाई देगा और उस एरिया को टच करने पर वहां पर टेम्परेचर नॉर्मल से अल्टर्ड मिलेगा सेकेंड स्टेज प्रेशर अल्सर को आप अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डर्मिस स्किन है उसमें पार्शियल लॉस देखने को मिलेगा यानी स्किन की जो एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर है इनके अंदर आपको हल्का सा कट या डैमेज दिखाई देगा स्टेज फर्स्ट बेड सोर्स के अंदर जो स्किन है वो कंटिन्यू रहती है किसी भी प्रकार का ब्रेकडाउन नहीं होता जबकि स्टेज टू के अंदर स्किन में ब्रेकडाउन देखने को मिलता है स्टेज थ्री अल्सर आइडेंटिफाई करने के लिए आप देखेंगे कि पेशेंट के स्किन की सारी लेयर्स और फैटी टिश्यू इसमें विजिबल हो जाता है डैमेज हो जाता है और स्टेज फोर अल्सर के अंदर घाव इतना गहरा हो जाता है कि पेशेंट के मसल स्टैंडन लिगमेंट और बोन तक दिखने लग जाती हैं याद रखिएगा प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा भी गया है कि अगर किसी बेड रिडन पेशेंट में प्रेशर अल्सर ना होने देना चाहिए चाहें तो सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा है तो आप बताएंगे हर दो घंटे बाद पेशेंट को पोजीशनिंग करवाना यानी उसकी पोजीशन को बदलते रहना इस चीज का उपयोग करके हम बेड सोर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैंसर्स डिराइड फ्रॉम प्लूरीपोटेंट सेल्स मोस्ट ऑफ प्रेजेंटिंग इन टेस्टिकल्स और ओवरी ओवरी या टेस्टिकल्स में प्लूरीपोटेंट सेल्स के द्वारा होने वाला कैंसर क्या कहलाता है लिम्फोमा, सार्कोमा ब्लास्टोमा या जर्म सेल ट्यूमर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इट इज कॉल्ड जर्म सेल ट्यूमर जर्म सेल ट्यूमर कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम प्लूरीपोटेंट सेल्स मोस्ट ऑफ टन प्रजेंटिंग इन टेस्टिकल्स और द ओवरी सेमिनोमा एंड डिस जर्मिनोमा रेस्पेक्टिवली जर्म सेल ट्यूमर्स की बात की जाए तो टेस्टिकल्स में प्लोरीपोटेंट सेल से होने वाला टाइप सेमिनोमा कहलाता है और ओवरी के अंदर होने वाला कैंसर डिसजर्मिनोमा के नाम से जाना जाता है ब्लास्टोमा के बारे में जान लेते हैं कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम इमेच्योर प्रिकर्शर सेल्स और एम्ब्रियोनिक टिश्यू अगर किसी पर्सन में एम्ब्रियोनिक टिश्यू या प्रिकर्सर सेल से कैंसर बन रहा है तो इस प्रकार के कैंसर को हम ब्लास्टोमा के नाम से जानते हैं कैंसर बेसिकली हमारी बॉडी में सेल डिवीजन की एबनॉर्मल होने की सिचुएशन है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑप्शन में बताया गया था लिम्फोमा शब्द ये भी अक्सर एग्जाम में देखा जाता है लिम्फोमा को आप लिम्फेटिक कैंसर के नाम से भी जानते हैं हमारे बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है डिजीज से बचाता है इस सिस्टम के अंदर लिम्फ नोड स्प्लीन थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो आदि को इंक्लूड किया जाता है लिम्फोमा की बात की जाए तो दो प्रकार के लिम्फोमास अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं हॉटकिंस लिम्फोमा और नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा हॉडकिंस लिम्फोमा के अंदर आपको रीड स्टर्नबर्ग सेल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है सार्कोमा शब्द की यदि बात की जाए तो सार्कोमा ऐसा कैंसर है जो कि किसी पर्सन की बोन या सॉफ्ट टिश्यूज़ में पाया जाता है एग्जाम्पल की बात करें तो कार्टिलेज फैट मसल्स ब्लड वेसल, फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू, इन सभी जगह पर होने वाला कैंसर सार्कोमा के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इन अ पेशेंट एस किसी पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस का असेसमेंट करने के लिए सबसे उपयोगी इंडिकेटर कौन सा है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ईईजी वाइटल साइंस या फिर एमआरआई राइट आंसर इज ऑप्शन ए इट इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस के असेसमेंट के लिए हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हैं और ये सबसे अच्छा इंडिकेटर भी माना जाता है मोस्ट रिलाइबल भी माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन द आई वी फ्लूड ऑफ चॉइस इन पेशेंट विथ सीवियर डिहाइड्रेशन अगर किसी पर्सन को सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए तो इस सिचुएशन में फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होगा फाइव परसेंट डेक्स्ट्रोस डीएनएस एल्ब्यूमिन रिंगल लेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इट इज रिंगलेक्टेड आर एल को हमेशा डिहाइड्रेशन होने पर फ्लूड ऑफ च्वाइस के रूप में एडमिनिस्टर किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इन फॉलोइंग विच इज नॉट क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा डिजीज क्रोमोसोमल एबनॉर्मिलिटी नहीं माना जाता डाउन सिंड्रोम एक्स सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम या क्रिटिनेज्म द राइट आंसर इज ऑप्शन डी क्रिटनेज्म क्रिटनिज्म क्रोमोसोमल एबनॉमेलिटी नहीं है आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहला है टर्नर सिंड्रोम इन विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर ओनली फीमेल आर अफेक्टेड टर्नर सिंड्रोम में सिर्फ फीमेल प्रभावित होती हैं इसे हम फोर्टी फाइव एक्स या फोर्टी फाइव एक्स जीरो डिजीज के नाम से भी जानते हैं इन दिस कंडीशन अ फीमेल इज पार्शली और कम्पीट कम्प्लीटली मिसिंग एन एक्स क्रोमोसोम सिंड्रोम के अंदर सिंपली कहा जाए तो एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है एक्स क्रोमोसोम कम होता है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइसोमी की ट्राइसोमी का मतलब है कि किसी एक क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा होना ट्राइसोमी ट्वेंटी वन की बात की जाए तो क्रोमोसोम नंबर ट्वेंटी थ्री जो है संख्या में एक ज़्यादा होता है और इसे ही हम डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं ट्राइसोमी एटीन को हम एडवर्ड सिंड्रोम के नाम से जानते हैं ट्राइसोमी थर्टीन को हम पटाऊ सिंड्रोम के नाम से जानते हैं ट्राइसोमी एट को हम वारकैनी सिंड्रोम टू के नाम से जानते हैं डाउन सिंड्रोम इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट क्रोमोसोम इज अकर्ड इट कॉजिंग डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डिलेज डाउन सिंड्रोम के पेशेंट मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़े आपको वीक देखने को मिल सकते हैं इनकी हथेली पर सिर्फ एक ही रेखा होती है यानी सिंगल पालमर क्रीज़ देखने को मिलती है इनका बॉडी बिल्डअप शॉर्ट होता है फेस फ्लैट होता है ब्रॉड होता है नेक नॉर्मल पर्सन की तुलना में कम लेंथ वाली होती है इन सभी प्रॉपर्टीज को देखकर आप एक मोटा मोटा आइडिया ले सकते हैं कि यह पर्सन डाउन सिंड्रोम का हो सकता है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम अ जेनेटिक कंडीशन इन विच अ मेल इज बोर्न विद एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम एक्स क्लाइन फेल्ट्रल सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर एक्स की एक्स्ट्रा कॉपी देखने को मिलती है इसे हम फोर्टी सेवन एक्स एस वाई या एक्स एक्स वाई डिजीज के नाम से भी जानते हैं इन दिस केस एक्स एंड वाई और टू एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स आर फेल्ड टू सेपरेट प्रोड्यूसिंग अ स्पर्म विथ एन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम और एन एग विथ टू क्रोमोसोम टेक स्क्रीन शॉट फॉर योर रिविजन नेक्स्ट इज ट्रिपल एक्स सिंड्रोम और ट्राइसोमी फीमेल एन एबनॉर्मिलिटी रिजल्टिंग इन एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन सम फीमेल्स। नेक्स्ट इज एडवर्ड सिंड्रोम अ कंडीशन दैट कॉजेसिवियर डेवलपमेंटल डिलेज ड्यू टू एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम एटीन पटाऊ सिंड्रोम इसमें क्रोमोसोम नंबर थर्टीन की एक एक्स्ट्रा कॉपी देखने को मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन यूज्ड फॉर सिट्स बाथ। किसी पेशेंट को सिट्स बाथ देने के लिए कौन से सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम पर मैगनेट वन इज टू फाइव थाउजेंड बॉरिक एसिड वन ग्राम टू वन पेंट और डिटोल वन इज टू फोर्टी ऑप्शन डी ऑल द अबाव द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव सिट्स बात का सिंपल मीनिंग है पेशेंट को किसी बाथ टब में एक नॉर्मल लेवल तक पानी भर कर उसमें बिठा देना जनरली हेमराइड एक्टोमी प्रोसीजर के बाद आप इससे इस्तेमाल करते हैं बेसिकली सिट्स बाथ के अंदर हम ल्यूक वॉम वाटर में ये सब सॉल्यूशन मिलाकर पेशेंट को बिठाते हैं जिससे कि लोअर एरिया में मौजूद मसल्स रिलैक्स होती हैं सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और वहाँ पर यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो वो ठीक हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गन रिक्वायर्स एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग वैन द पेशेंट इज अंडर गोइंग लिपिड लोवरिंग थेरेपी अगर किसी पेशेंट को लिपिड लोवरिंग ड्रग दी जा रही है तो इस सिचुएशन में किस ऑर्गन को आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए किडनी ब्रेन लीवर पेंक्रियास द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इट इज़ लीवर लिपिड लोवरिंग मेडिकेशन शिफ्ट द लिपिड फ्राम ब्लड वेसल्स टू लीवर विच कॉस फैटी लीवर जब हम पेशेंट को लिपिड लोवरिंग मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट की बॉडी में मौजूद एक्स्ट्रा लिपिड सब्सटेंस पूरा लीवर की तरफ भेज दिया जाता है और वहाँ पर ये जाकर स्टोर होने लगते हैं इस एक्स्ट्रा लिपिड की स्टोरेज के कारण हो सकता है लीवर का साइज बढ़ जाए फैटी लीवर कंडीशन डेवलप हो जाए इसलिए हमें इन मेडिसिन के साथ लीवर को विशेष रूप से मॉनिटर करना चाहिए थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस कम्प्लीट वीडियो अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए नर्सिस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेस्ट ऑफ लक